हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी एक्सरसाइज है क्लास ट्वेल्थ की इनवर्स ट्रिगो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेवन ऑनवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है वो कहता है टैन इनवर्स विद इन रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स वर्स ना इसको इसको सिंप्लीफाई करना है हमने तो वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स ये दोनों गोल्डन फॉर्मूले हैं वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है टू साइन स्केयर एक्स बाई टू वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है टू कॉस स्केयर एक्स बाई टू तो टू से टू कट गया साइन स्केयर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस स्केयर एक्स बाई टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन तो ये हो गया टेन स्केयर एक्स बाई टू स्केयर से रूट कट गया तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू आंसर आ गया टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया तो आंसर आ गया एक्स बाई टू अगला जो है क्वेश्चन नंबर एट ना क्वेश्चन नंबर एट है टेन इनवर्स विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जा जा जाते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो इसमें हम क्या करते हैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो अगर मैं इसको कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करता हूँ तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या है वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स ऐसे नीचे हो गया वन प्लस टेन एक्स ना जब इस तरह से आ जाए तो अब हमें क्या करना है हमें यह पता है कि टेन पाई बाई फोर जो है वन होता है तो मैं वन की जगह टेन पाई बाई फोर लिख सकता हूँ तो मैंने क्या किया ऊपर इस वन की जगह टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस ना वन से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स ठीक तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया ये फॉर्मुला बन गया टेन ए माइनस बी का विच इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी तो अगर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन ए माइनस बी सिमिलर लाइन्स पे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स तो टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स अगला फिर आता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में विद इन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अब यहां पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि एक्स को ए साइन थीटा पुट करना है जब एक्स को हम ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स की जगह ए साइन थीटा और नीचे ए स्केयर माइनस एक्स स्क्र की जगह आ जाएगा ए स्केयर थीटा इसमें मैं ए कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा वन माइनस थीटा वन माइनस साइंस थीटा क्या होता है कॉस्केयर थीटा तो ये मेरा आ गया टेन इनवर्स विद इन ब्रैकेट ए साइन थीटा अपॉन में रूट से ये खत्म हो गया तो ये आ गया ए कॉस्ट थीटा तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा टेन इनवर्स टैन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर ना थीटा की वैल्यू क्या है अगर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था तो थीटा क्या हो जाएगा ये a x के नीचे चला जाएगा x अपॉन ए और इसका साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स x अपॉन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन नंबर टेन जो है वो कहता है टेन इन थ्री ए स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्र नाउ यहाँ पे हमने एक्स को पुट किया है ए टेन थीटा ये क्यों हम पुट करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में नाउ जैसे ही हमने ये किया तो ये आ गया थ्री ए क्यूब टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टैन स्क्र थीटा अब इसमें से हमने क्या किया ऊपर से एक क्यूब कॉमन ले लिया नीचे से एक क्यूब कॉमन ले लिया और उसको काट दिया तो आज ये हमारा बच गया टेन इनवर्स ऑफ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन्स थीटा ये किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का तो यानी कि ये हो गया टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा तो आ गया हमारा थ्री थीटा अब थीटा की वैल्यू अगर x हमने लिया था a tan थीटा तो थीटा क्या हो गया x अपॉन a और tan का इनवर्स तो tan इन ये हो गया थ्री tan इनवर्स x अपॉन a ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट टू कॉस विद इन ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाई टू ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ी ब्रैकेट क्लोज नाउ इसमें हमने क्या करना है अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते जाना है ना सबसे पहले सबसे अंदर साइन इनवर्स वन बाई टू साइन इन 1 वन बाई टू की सीधी वैल्यू होती है अब साइन इनवर्स वन बाई टू होती है तो अपने आप से ये पूछें कि वन बाई टू साइन कब होता है साइन थर्टी होता है वन बाई टू तो इसका मतलब थर्टी को हम लिखते हैं पाई बाई सिक्स तो ये हो गया साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स टू इंटू पाई बाई सिक्स इज पाई बाई थ्री तो अभी आ गया कॉस पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री भी वन बाई टू होता है कॉस पाई बाई वन बाई टू तो ये हो गया टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू तो ये टू से टू कट गया तो ये आंसर आ गया टेन इनवर्स वर्स वन न अपने आपसे पूछा क्योंकि टेन टेन इन वर्स वन है यानी कि टेन वन कब होता है इट इज़ ऑन पाई बाई फोर तो इस आंसर आ गया इसका पाई बाई फोर अगला है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कॉट ऑफ विद इन ब्रैकेट टेन इनवर्स वर्स ए प्लस कॉट इनवर्स वर्स ए ना आपको याद होगा स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी थी टेन इनवर्स वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू तो हमने क्या किया इसकी जगह पाई बाई टू लगा दें और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यह है टेन ऑफ हाफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्सक्र और कॉस इन ऑफ वन माइनस वाई स्क्र अपॉन में वन प्लस वाई स्क्र ब्रैकेट क्लोज ना है कि ये जो साइन टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स है ये क्या, क्या किस चीज की है ये टू टैन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी है ऐसे ये जो है कॉस इनवर्स अगर इस वाई की जगह एक्स होता तो कॉस इनवर्स वर्स वन माइनस एक्स स्वयर अपॉन में वन प्लस एक्सर यह किसकी प्रॉपर्टी होती ये भी टू टैन इनवर्स एक्स की है तो हमने क्या किया अब इसकी जगह साइन इनवर्स वर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्र की जगह टू टैन इनवर्स एक्स लिख लिया और कॉस इनवर्स वर्स वन माइनस वाई स्क्यर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्यर की जगह टू टैन इनवर्स वाई लिख दिया तो अंदर आ गया अब इसमें टू हमारा कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हाफ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ऑफ टेन इन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नॉट टेन इन एक्स प्लस टेन इन वाई तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई टेन ऑफ टेन इन से ये खत्म हो तो गया तो आंसर रह गया एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस साइन इनवर्स एक्स ज इक्वल टू वन अब इसमें आपको दिया हुआ है और वो कह रहा है कि फाइंड एक्स या वो कहे फाइंड एक्स या कहे सॉल्व फॉर सॉल्व दिस इक्वेशन मतलब यही है कि ही वॉन्ट्स नो कि वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो हमने क्या किया इसको हम इस साइन को हम इधर ले गए जब इस साइन को इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स वन हो जाएगा हमें पता है साइन इनवर्स वन क्या होता है फाइव बाई टू ठीक तो ये आंसर ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू अब पाई बाई टू कॉस इनवर्स एक्स हम इधर ही ले जाते हैं और साइन वन बाई फाइव को ले जाते हैं इस तरफ तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इन वन बाई फाइव नाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ठीक तो यानी कि अगर हमारे पास पाई बाई टू माइनस साइन इन एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स तो ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू वन बाई फाइव को हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन बाई फाइव तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई फाइव तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई बाई फोर अब इसके अंदर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमारे पास वही वाला जो फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई राइट ये हमने फॉर्मूला इस पर लगा दिया जब ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ नाउ ए क्या है यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू तो बी क्या है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू तो ये आ गया एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू अपॉन में वन माइनस फिर x माइनस वन अपन में x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में x प्लस टू इसको जो हम एल्सियम लेंगे ऊपर वाले का एल्सियम लो पहले अलग से तो ये आ जाएगा नीचे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू ऐसे ही नीचे का एल्सियम अगर ले लें तो नीचे का आ गया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और इन अब ये इसको जब एल्सियम लेंगे तो दिस वन द एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ना ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ये और ये कट गया और ऊपर आ गया हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे ये जो है अब हमने क्या किया था टैन इनवर्स को इधर भेजा था तो टेन पाई बाई फोर आ गया टेन पाई बाई फोर क्या होता है वन तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास टू एक्स माइनस फोर थ्री इज इक्वल टू वन आगे टू एक्सर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री इस फोर को भी उधर भेजें तो क्या आ जाएगा टू एक्सर इज इक्वल टू वन एक्सर इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क् जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस माइनस रूट तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वन बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री अब इसको हम अगर वैसे हम देखें भाई साइन इनवर्स वर्स साइन से तो हम कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर आ जाएगा टू पाई बाई थ्री लेकिन इसके साथ क्या समस्या है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के साथ नहीं है ठीक है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी थी उसकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यू होनी चाहिए थी जबकि हमारी आ गई टू पाई बाई थ्री विच इज ग्रेटर देन पाई बाई टू तो हमें कुछ ऐसा करना है इसको ताकि ये इन वैल्यूज़ के बीच में एडजस्ट हो जाए ठीक ना साइन टू टू पाई बाई थ्री जो है इट कैन बी रिटर्न एज साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं ऐसे इसको राइट ना साइन पाई माइनस थीटा जो है इट इज इक्वल टू साइन थीटा राइट तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री अब ये पाई बाई थ्री जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है तो इसका मतलब अब हम इसको छोड़ सकते हैं तो आंसर आ गया हमारा पाई बाई थ्री विच बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर अब इसको भी अगर हम इसको सीधा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो थ्री पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर जो है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी टेन की वो थी माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई टू एक्सक्लूसिव ब्रैकेट तो हमें फिर इसमें भी यही करना है क्या करना है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर ठीक तो हमने क्या कहको थ्री पाई बाई फोर को पाई माइनस पाई बाई फोर में लिख लिया और हमें यह पता है कि टेन पाई माइनस थीटा जो है इट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा राइट तो हम यह आ गया टेन इनवर्स ऑफ माइनस टेन पाई बाई फोर ना हमें यह भी पता है कि ये जो माइनस टेन भाई टेन जो है माइनस थीटा टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा तो ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर टेन इनवर्स से टेन कट गया तो आंसर आ गया माइनस फाइव बाई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटीन टैन ऑफ साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ थ्री बाई टू राइट ना इसके अंदर हम क्या करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या करना है सबको इसको भी हमने टेन में कन्वर्ट करना है इसको भी हमने टेन में कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स को टेन इन टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना सिंपल है हम सबसे पहला काम क्या करें हम जो मान लो जैसे ये थ्री बाई फाइव है तो हमने क्या किया ये राइट ट्रायंगल बना लिया साइन थ्री बाई फाइव साइन क्या होता है पी अपॉन एच एच क्या है ये पी क्या है ये ठीक तो हमने क्या किया थ्री यानी कि पी और एच यानी कि ये तो जिस वक्त हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर ये फाइव है ये थ्री है तो बेस हमारा फोर आ जाएगा थ्योरम लगा के आ जाएगा अब ये क्या हुआ ये टेन अपने साइन को अगर हमने टेन में कन्वर्ट करना है तो नो टेन क्या होता है पी पॉन बी यानी कि थ्री पॉन फोर तो यह साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स थ्री बाई फोर राइट और कॉट जो है क्योंकि कॉट थीटा कॉट इनवर्स थ्री बाई टू जो है इट इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स टू बाई थ्री राइट इसका रेसिप्रोकल है, तो हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स टू बाई थ्री अब आराम से हम इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x एक्स प्लस टेन इन क्या था वो tan इनवर्स x एक्स प्लस टेन इन वर्स इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई तो ये आ गया आपका tan ऑफ tan इनवर्स नाउ थ्री अपॉइन फोर प्लस टू अपॉइन थ्री अपॉन में वन माइनस तो थ्री पॉइंट फोर इंटू टू पॉइंट थ्री इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा टेन इन वर्स से टेन तो, ये हो गया. तो आंसर आ गया. 17 upon 6 अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर cos cos अगर इसको हम सीधा काटने की कोशिश करते हैं तो इट इज सेवन पाई बाई सिक्स बट इट डजेंट कम इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स विच इज जीरो टू पाई यानी कि ये जो वैल्यू जो थी इसकी रेंज जो है वो जीरो से पाई होनी चाहिए थी इस तो इसलिए हमने क्या किया इसको ऐसे लिख सकते हैं टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स टू पाई माइनस फाइव पाई बाई सिक्स राइट ना हमें ये पता है कि कॉस टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो ये आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस फाइव पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है जीरो टू पाई तो आंसर आ गया हमारा फाइव पाई बाई सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी साइन विद इन ब्रैकेट पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू अब हमें ये पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ठीक है जी तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई टू अब साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू होती है पाई बाई सिक्स राइट right. तो so, ये क्या आ गया हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू साइन इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू ना साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है वन तो so, इसका आंसर आ गया वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री राइट ना कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज रिटर्न एज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स राइट स्टूडेंट्स तो ये क्या आ गया टेन इनवर्स रूट थ्री नर्स रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है पाई बाई थ्री ठीक है ना हम क्या पूछने पूछते हैं अपने आप से भाई टेन की टेन कितना रूट थ्री होता है वो होता है टेन पाई बाई थ्री तो इसलिए आंसर आ गया पाई बाई थ्री माइनस पाई ये माइनस पाई और कॉट रूट थ्री का वो होता है फाइव बाई सिक्स पे तो ये आंसर आ गया प्लस फाइव बाई सिक्स इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस पाई बाई टू आई होप आपको ये समझ आया होएगा अच्छी तरह से इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स तो मैं आपके सारे के सारे ये डिफ़िकल्टीज जो हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे नई वीडियोस बने वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ऑल द बेस्ट Good luck.